लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। इस प्यार में हमको पागल ना कर, छोड़ना ना छोड़ना, ओ ढोलना। कब तक छुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले, ओ ढोलना। कब तक छुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले, ओ ढोलना। बिल्कुल आयुष से मिलना प्योरली कोइंसिडेंटल था मेरे लिए। फर्स्ट टाइम व्हेन आयुष मैसेज मी ऑन फेसबुक, मैंने आराम से रिप्लाई किया उसको। तो उसके बाद जब उसका रिप्लाई आया कि थैंक गॉड तुमने रिप्लाई तो किया, दैट वाज क्वाइट क्यूट। बट जैसे ही फेसबुक से बातें आगे बढ़ी तो व्हाट्सएप पे चालू हुई, उसके बाद फोन कॉल्स पे चालू हुई। देन अगेन देयर वाज अ लॉन्ग ड्राइव, जो मैंने मेरी प्यारी सी छोटी सी स्कूटी पे हमने लॉन्ग ड्राइव की थी। रेगुलरली हमारी ऑन एंड ऑफ बात होती रहती थी। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि मेरे बर्थडे पे 7 जुलाई पे एक बहुत बड़ा बुके आया था। दैट वाज सो स्वीट एंड सो क्यूट। जिसमें खूब सारी चॉकलेट्स थी, खूब सारे फ्लावर्स थे, एक क्यूट सा टेडी बेयर भी था। आयुष से सवाल बहुत पूछती है, शायद यही सवाल है जिनके सही जवाबों के कारण आज मैं आयुषी के साथ इस मिलन में ये हो रहा है, शादी हो पा रही है। उसके बाद ये हुआ, मैं जोधपुर गया। जोधपुर में 4 दिन का वो छोटा सा समय जो था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उन 4 दिनों में हम बहुत घूमे। आयुषी बचपन से ही शर्मिली स्वभाव की थी, लेकिन हमेशा मम्मी के पास ज़्यादा रहती थी। लेकिन धीरे 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 वो खुलने लगी। मेरे से आयुषी का लगाव बहुत ज़्यादा रहा। आयुषी और आयुष दोनों डायरेक्टली मिले, उन्होंने एक दूसरे को पसंद किया। फिर भी हम लोगों ने कभी प्रेशर नहीं डाला, काफ़ी लंबा टाइम दिया आयुषी को कि भाई और आप अच्छी तरह देख लो, ये कर लो और समझ लो। आयुषी वही हुआ जो हमने सोचा था कि आयुषी के लिए जो सुटेबल वर होगा वो आयुषी को समझे अच्छे से, उसको हमेशा सपोर्ट करता रहे। है चाल में तेरी जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू। 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई। जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। के बारे में मैं बताऊंगा कि मेरे साथ बड़ी बतियाती थी, खेलती थी छोटी थी। तो बीच में होली के समय में एक बार क्या वो पिचकारी लेके मेरे को इंजेक्शन लगाया, मामा इंजेक्शन लगा देती हूँ। तब मेरे को ऐसा लगा था कि ये बड़ी होकर ना डॉक्टर ही बनेगी, और मेरा बोलना होता, मैंने सोचा नहीं था कि वो डॉक्टर ही वाकई में बनेगी। मेरा बात बिल्कुल सही निकलेगा। उसका व्यवहार इतना मीठा है, इतना स्वीट है कि वाकई में ऐसा लगता है कि उसका नाम जो हमने रखा था बचपन में स्वीटी, वो बिल्कुल ही सही है, उसके नाम के अप्रोप्रिएट है। शगना दिशा अखियां विच लेके माही तेरा ही ना, मैं ते तुर जाना तेरे नाल, तेरे नाल वे तारे मेहमान, चन्ना वे तेरी खाते सारा जहां, छड़ के मैं जाना तेरे। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है वो तो ना ही था। हमें स्वीटी ही नाम उसका याद रहता है, क्योंकि उसका जो नेचर है वो उसके नाम के अकॉर्डिंग ही है। उसके जैसा स्वीट और उसके जैसा भोला और उसके जैसा प्यारा नेचर हमारी फैमिली में शायद ही किसी का है। ये बात तो मामी के साथ खाना वाना भी वो बनवा रही थी, मामी को बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टरी कर रही है और इतना अच्छा खाना बनाती है। बस उसको शुभकामनाएं देते हैं, आगे वो बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, जहाँ भी जाए खुश रहे। अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है, गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, पल से इसमें नैना दा क्या कसूर, वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर, वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर, वे कसूर वे कसूर, ऐ दिल तू बता रे, नैना दा क्या कसूर, वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर, वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर, वे कसूर वे कसूर, ऐ दिल तू बता रे। Like a magical fairy tale, magical love story. जो मैंने expect भी नहीं की थी. Means I had always dreamt of a guy who was quite funny, understanding, you know, always humorous, always there when I need. एक अच्छा सा गुलपुलो सा इंसान. मुझे पता है कि it will be a wonderful life ahead. क्योंकि living with your dream guy is what every girl wants. It's just too good to be true.
अब इतना मैंने बोल दिया है तो मिठा के लिए भी दो शब्द बोल देती हूँ मैं। मतलब बनती है वो छोटी, लेकिन बनती मेरी बड़ी बहन है। ये करना है, वो करना है, मेकअप कैसे करना है, कपड़े कौन से पहनने हैं, किससे क्या बात करनी है, एवरीथिंग। तो लाइक दी बेस्ट फ्रेंड, लाइक द ऑल टाइम बेस्ट फ्रेंड, लाइक आई कैन डिस्कस एवरीथिंग। हम बचपन से बुरी आदतें हैं, दीदी को बिल्कुल कॉपी करना है, दीदी ने कुछ करा वही मुझे चाहिए, दीदी ने बायो ली तो मैंने भी कहा कि बस मुझे भी बायो लेनी है, और बिना दीदी के तो मैं कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकती कि मेरा कुछ हो। दीदी आई होप यू हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड। जीजू लाखों में एक हैं, पर आप भी दुनिया में बस एक ही हो, द बेस्ट सिस्टर इन द एंटायर वर्ल्ड। यू विल बी द बेस्ट वाइफ, you've been the best sister and the best daughter my parents could have. Thank you God for giving me my sister. Jiju, didi ka bhi roi na. All the very best. मम्मी सो स्वीट, बिल्कुल मेरी मम्मी के जैसी हैं, इतना प्यार, इतना केयर, इतना लव, इट्स टू गुड। और आयुष के पापा बिल्कुल आयुष जैसे, मतलब मुझे उल्टा बोलना चाहिए, आयुष बिल्कुल उनके फादर पे गए हैं, बिल्कुल चिल, अच्छी सी पर्सनालिटी उनकी। एक सबसे इम्पोर्टेंट, हर बिल्डिंग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर होता है, मम्मी है मेरी लाइफ का। पापा का हमेशा कॉन्स्टेंट सपोर्ट रहा है बचपन से लेकर के आज तक, जितने भी मेरे खुद के डिसीजंस थे, मुझे आगे क्या परस्यू करना है, उन सबका एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि पापा हमेशा से खड़े थे।
आयुष जी जब मैंने पहली बार देखा तो बिल्कुल जैसे कि आयुष जी को आयुष के लिए ही बनाया हो। दोनों बिल्कुल परफेक्ट पैर जैसे बनते ना, एक पैर कहीं और था, एक पैर कहीं और था, ऐसे कैसे ही पैर यहाँ आके मिले हैं। देखते ही देखते वक्त कितना जल्दी की निकल गया कि छोटी सी स्वीटी आज इतनी बड़ी हो गई कि डॉक्टर बन के अब अपने घर को विदा हो जाएगी। दुल्हन के रूप में देखते ही आंसू आ जाते हैं कि अब विदा होकर चली जाएगी। सबसे अच्छी बात जो मुझे उसकी लगती है वो ये लगती है कि शी शोज अपना हक जताती है एक तरह से आपके ऊपर कि हाँ आप जो करोगे वो मेरे से या तो बता कर करोगे या पूछ कर करोगे या आपने मुझे क्यों नहीं बताया। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग आई लाइक अबाउट हर। ऐसा नहीं है कि गुस्सा होके या कुछ नाराज़ होके कहती है, बट येस शी वॉन्ट्स डेट आई शेयर एवरी थिंग विथ हर एंड आई विल शेयर एवरी थिंग विथ हर एंड आई एम श्योर डेट वी विल लिव आवर लाइफ हैप्पीली टुगेदर।